करबला के मैदान में जब हुसैन रजी अल्लाह ताला यजीद के पास गए तो क्या कहा और यजीद ने जवाबन क्या कहा। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि जब आप हक के लिए आए और हक का ऐलान किया तो यजीद को तकलीफ हो गई। यजीद ने क्या किया कि औरतों को और बच्चों को बुजुर्गों को अपना गुलाम बना लिया और उन पर जुल्म किया, घरों को आग लगा दी, लोगों को डराया धमकाया और ये कहा कि अगर तुमने हुसैन का साथ दिया तो तुम सबको मार दिया जाएगा, तुम्हारी दौलत जब्त कर ली जाएगी, तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। जब लोगों ने यह सुना तो लोग खौफ से अपने घरों में बैठ गए। यह खौफ का आलम था कि कोई शख्स भी बाहर ना निकला। हुसैन रजी अल्लाह ताला जब करबला के मैदान में और उनके 72 शख्स मैदान में रह गए, हुसैन रजी अल्लाह ताला ने यजीद को कहा कि देख तू मुसलमान है और कलमा गो भी है तो ये जुल्म ना कर। यजीद ने कहा कि तू हमसे जो चाहे ले ले, जितनी रकम चाहे ले ले, जितना सोना चाहे ले ले और यहां से चला जा, अपने खुद चला जा और अपने बच्चों को भी ले जा, वरना हमारी तरफ से ऐलान जंग है। बात काबिले गौर है नाज़रीन, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज इस दौर में हमारे साथ जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो सेम टू सेम यही कहानी है। अगर इस वक्त हम खामोश बैठे रहे तो आइंदा चंद सालों में हम भी रोएंगे पीटेंगे और मातम करेंगे कि काश उस वक्त हम निकले होते अल्लाह की खातिर और उसके रसूल की खातिर और रसूल के निजाम की खातिर, हम घर से बाहर निकलते और इस्लाम का झंडा लहराते और जालिमों का खात्मा करते तो क्या ही अच्छा होता। याद रहे जो शख्स अल्लाह और रसूल के खातिर अपने आप को अपनी जिंदगी सर्फ कर देता है और उसमें शहीद हो जाता है, वो शहीद क्या, शहीद का मुकाम क्या है, इसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, शहीद जिंदा है उन्हें मुर्दा हर किस ना कहो कि वो अल्लाह के पास खाते और पीते हैं। आज हम अपने गुनाहों को मटाने के लिए अल्लाह पाक ने एक दफा फिर हमें मौका दिया कि आज हम फिर से बाहर निकलें और अल्लाह रसूल की खातिर इन जालिमों का सफाया करें। हमारा कोई लीडर नहीं, कोई लीडर ना बनाओ, अपना लीडर बनाओ अल्लाह के रसूल को, मुस्तफा को और अल्लाह का निजाम इस पाकिस्तान में लेके आओ और मुस्तफा को अपना लीडर बना लो। मुस्तफा की गुलामी का पटा अपने गले में बांध लें, किसी हमें लीडर की जरूरत नहीं, हमारा लीडर अल्लाह का रसूल है। ये पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि जो भी इस वीडियो को सुने ईमान जिंदा हो। याद रहे जो अल्लाह की खातिर और उसके रसूल की खातिर बाहर निकलते हैं और जालिमों का खात्मा करते हैं अल्लाह उनको इनाम देगा, और इनाम क्या है, दुनिया में भी इनाम, आखिरत में भी उनके लिए इनाम, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हमेशा अमर हो जाएगा, हमेशा जिंदा रहेंगे। हमेशा जिंदा रहने के लिए आज हमें सल्तनत उस्मानिया का निज़ाम दोबारा नाफिज करना है, आज हमने फिर खुद से लड़ना है, खुद से जंग करनी है और इन ज़ालिमों का खात्मा करना है। ये वीडियो कसरत से शेयर करें, कसरत से इसको पूरे पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग रहते हैं, जो मुसलमान रहते हैं, उन तक भी शेयर करें। मैं ये कहता हूँ कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में राज करे,
जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, मैं ये समझूंगा, हम ये समझेंगे कि आप इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। खुदारा वही इस वीडियो को लाइक करे जो इस मुहिम में शामिल होना चाहता है, जो मुस्तफ़ा की गुलामी का पटा अपने गले में डालना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।